लिख रही हूँ एस क्यूट एस पांडा, क्योंकि हम करने वाले हैं बहुत सारा हैक टेस्ट ऑन अंडा। अंडे से निकली मुर्गी, मुर्गी से अंडा, रोज खाओ अंडा और बनो क्यूट जैसा पांडा। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? नहीं। आज मैं ट्राई करने वाली हूँ 5 मिनट क्राफ्ट्स की कुछ डिलीशियस और यमिलीशियस एग हैक्स। आपके रिक्वेस्ट को मैं कैसे इग्नोर करूँ, वो तो मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मैं आपसे इतना ज्यादा प्यार जो करती हूँ। शोना, डिलीशियस डिलीशियस कुछ हैक को टेस्ट करेंगे, ट्राई आउट करेंगे और देखेंगे रेसिपी कैसा बनता है। तो चलिए और ज्यादा बदौलाबाजी के बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं सबसे पहला एग हैक। मैंने लिया 2 पीस ब्रेड, 1 पीस से मैंने मिडिल वाला पार्ट को कट आउट कर लिया और उसको रख दिया दूसरे ब्रेड के ऊपर। फिर मैंने 1 अंडे को तोड़ के अंदर डाल दिया और डालते वक्त ना वो उसका जो योक था वो भी थोड़ा सा टूट गया गाइस, पर मुझे बिल्कुल वेस्ट नहीं करनी थी क्योंकि अगर ऐसे पक गया तो पूंछ की तरह भी जरूर पक जाता। मैंने हल्का सा नमक, प्याज और ब्लैक पेपर पाउडर दिया, उसको डाल दिया सीधा माइक्रोवेव के अंदर। अभी एक चीज है, 1 मिनट में ना ये बिल्कुल पक नहीं रहा था, बहुत कच्चा कच्चा लग रहा था, तो मैंने 2 मिनट किया इंस्टेड ऑफ 1 मिनट। और ये देखो गाइज, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। आइए इसको ट्राई करते हैं। पहला हैक तो कंप्लीट हो चुका है, आइए इसको टेस्ट करते हैं। तो फीका लग रहा है क्योंकि ब्रेड जो है ना टोस्टेड नहीं है, पर खाने में बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग और टेस्टी है। ब्रेड बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट हो चुका है, आई लाइक इट। मैं इस हैक को 6 out of 10 दूंगी क्योंकि मुझे लगता है अगर इसमें ब्रेड थोड़ा सा रोस्टेड होता अंदर और मसाला जाता, प्रोबेबली ये और भी ज्यादा दिलचस्प और टेस्टी होता। हैक नंबर 2, ये वाला एग हैक मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा। इसके लिए मैंने पहले अंडा तोड़ के उसको अलग अलग बोल पे ऐड किया, मतलब एक बोल में योक और एक बोल में वाइट पोर्शन, फिर अच्छे से उसको फेंट लिया। फिर मैंने लिया है ये 2 सॉस की बॉटल जिसमें मैंने अलग अलग से अंडा को डाल दिया और फिर मैंने पैन को गर्म कर लिया और उसके अंदर हार्ट शेप में जो योक है उसी के साथ ड्रॉ कर लिया और अच्छे से जिगजैग कर दिया। फिर ये जिगजैग को मैं फिलअप कर दूंगी वो वाइट पोर्शन के साथ और आप देख सकते हो कि हमारा हार्ट शेप का ऑमलेट बिल्कुल बन चुका है। बहुत ही यूनिक स्टाइल में बनाया है, मुझे ये बहुत ज्यादा क्यूट लगा। और हाय पर्पल यू, और ये प्यारा प्यारा ऑमलेट वाला हार्ट आपने देखा है? तो कई सारे जन मुझे पूछते हो कि दी क्या आपकी बॉयफ्रेंड है, कैसे होगा बॉयफ्रेंड जब मैं ऐसे हार्ट को चबा के खा जाती हूँ, वो भी अंडा के साथ। जो ऑमलेट होती है ना, ऑमलेट जैसी है, काफी काफी ज्यादा क्रिस्प है और काफी ज्यादा टेस्टी है। और 8 out of 10 दूंगी क्योंकि मुझे लगता है फिर से ये थोड़ा सा फीका है, पर ये दिखने में इतना ज्यादा क्यूट और इंटरेस्टिंग है ना, ऐसे खाना चाहिए दिल को। लुक्स डिलीशियस। नाउ व्हिच वाज इन फ्रिज, और ये देख रहा कितना सारा फ्रोजन फूड। अगर आपको फ्रोजन फूड 24 आवर्स देखनी है या फिर इंस्टेंट फूड 24 आवर्स देखनी है तो इस वीडियो को लाइक देनी है। मिनिमम 15,000 लाइक आ जाएगा ना तो मैं लेके आ जाऊंगी, पर 15,000 लाइक आपको देनी है अगर आपको फ्रोजन फूड 24 आवर्स देखनी है, ठीक है? ओह माय गॉड, ये क्या है? दिस इज अ फ्रोजन अंडा। वाओ, तो
देख ही सकते हो गाइस हमारा फ्रोजन अंडा कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, पर ये बहुत ही ज़्यादा स्लाइमी और स्लरी बन चुका है, इसलिए मैं जल्दी से इसको काटूंगी। और काटने के बाद ना गर्म पैन में मैं बिल्कुल जैसे हैक में दिखाया था वैसे ही छोटे छोटे पूंछ बना लूंगी, और ट्रस्ट मी बहुत ही अच्छे से पूंछ बन जाते हैं। तो अगर मुझे क्या लगता है ना, ये हैक करने में भी बहुत वक्त लग जाता है, पर ये छोटे मिनी साइज़ के पूंछ तो देखो कितने ज़्यादा क्यूट और प्यारे हैं। तो आइए इसे ट्राई करते हैं और देखते हैं, दिखने में जितना क्यूट है खाने में भी उतना टेस्टी है कि बकवास है। बिल्कुल ना एक मिनी पूंछ होता है ना, मिनी पूंछ जैसा लग रहा है। मैं इस पूरा हैक को 7/10 दूंगी, क्योंकि इसके पीछे दो रीजन है। सबसे पहले 24 घंटा के लिए ना आपको अंडा रख देना पड़ता है फ्रिज के अंदर, तो बहुत टाइम टेकिंग है। जब आप इसको बनाते हो, क्योंकि अंडा बिल्कुल सॉलिडिफाई हो जाता है, तो नमक वमक ऐड करना, कोई भी मसाला अगर आप ऐड करना चाहो तो इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। नमक आप छिड़का भी दो तो अंदर तक नहीं जाता है, ठीक है, बट टेस्टी। ये हैक मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। इसमें हम लोग एक प्लास्टिक बैग के अंदर सबसे पहले 2-3 अंडा को डाल देंगे, फिर अंदर दे देंगे सॉल्ट, पेपर पाउडर, अनियन, कैप्सिकम, टमाटो, अपने पसंद की जो भी वेजीज आप डालना चाहो, फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम लोग गर्म पानी उबालेंगे और उसी के अंदर उस पैकेट को छोड़ देंगे। वो अंडा है ना अंदर में स्टीम प्रोसेस में कुक हो जाता है, और जब आप उसे निकालोगे तो वो कुछ ऐसे दिखता है। और इसके अंदर से ना इतना अच्छा खुशबू आ रहा है गाइस, के खुशबू से ही मेरा पेट भर जा रहा है। ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो आइए इसको खाते हैं और ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसा है ये हैक। आज से 2 साल पहले एक 24 चैलेंज में मैंने क्लाउड एग बनाने की कोशिश किया था, जो कि बिल्कुल फेल था। आज दोबारा कोशिश करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक विस्कर के मदद से कितना फ्लफी क्लाउड को बना भी लिया है एग वाइट के साथ। अभी मैं पैन में थोड़ी सी ऑयल दूंगी और लो फ्लेम में इसी क्लाउड एग को कुक करूंगी, और क्लाउड को थोड़ा सा मैं स्प्रेड कर दे रही हूँ ताकि वो नीचे से अच्छे से पक जाए और ऊपर में भी हीट के साथ पक जाए। और हमारा जो फ्लफी वाला क्लाउड एग है ना बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो आइए इसे खाते हैं, पेट पूजा करते हैं, इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा बना है। आई लाइक इट, बहुत ही एक तो स्मूथ मूजी टाइप का फ्लेवर है, और नीचे का जो क्रस्ट है ना एकदम थोड़ा सा च्यूवी है बिकॉज इट हैज फ्राइड, एंड द फ्लेवर इज वेरी वेरी टेस्टी, बिल्कुल जैसे अंडे का होता है, अंडे का पूंछ का फ्लेवर होता है वैसा ही लग रहा है। 7 दूंगी out of 10, क्योंकि इसका टेक्निकलिटी बहुत ज्यादा है। आप अगर हाथ से इसको विस्क करोगे तो सही तरीके से विस्क होगा नहीं, पर आपका हाथ में स्पॉन्डिलाइटिस जरूर हो जाएगा, ठीक है। ये फाइनल हैक करने में मेरी तो फट गई, क्योंकि सबसे पहले तो इसके अंदर बहुत टेक्निकलिटी है, और मैंने ना ऑमलेट को कुछ ज्यादा ही मोटा बना दिया, ज्यादा अमाउंट दे दिया, क्योंकि ये पैन ही बहुत बड़ा है, वो लोग काफी छोटा पैन में बना रहे हैं। और मैंने जब चीज डाल के इसको रोल करने की कोशिश किया, मेरा पैन के वजह से और ऑमलेट की थिकनेस के वजह से वो तो टूट गया, पर मैंने बहुत कोशिश करके मतलब उसको रोल किया किसी भी तरीके से, क्योंकि इससे ना बहुत अच्छा खुशबू आ रहा था और चीज बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। तो मैं बहुत ही स्लोली इसको कुक कर रही हूँ ताकि अंदर से ये कुक बन जाए, बस ये थोड़ा सा ज्यादा मोटू हो गया। तो अभी
हम लोग ट्राई करेंगे ये चीजी वीजी वाला हैक। वैसे गाइस ये हैक ना बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, मतलब उन लोगों ने जब इसको बनाया था तो बहुत ही ज्यादा पतला वाला क्रस्ट से बनाया था, पर मेरा पैन थोड़ा बड़ा था तो मुझे ज्यादा अमाउंट देना पड़ा, तो थोड़ा सा मोटू छोटू सा हो गया है। पर उसमें क्या हुआ, गोलू मोलू हो या पतला सा है, दिखने में तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और डिलीशियस लग रहा है, राइट? और एक अंदर में ना बहुत ही ज्यादा जूसी है, टेस्टी है और बिल्कुल मीठी जैसा लग रहा है, मतलब अलग ही फील दे रहा है इसका। और इसको मैं दूंगी 9 out of 10। पता है क्यों? बस इसलिए क्योंकि इसका टेक्निकलिटी थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब इसको बनाने में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, एक पॉइंट माइनस किया है, बट टेस्ट इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। 5 minutes later कमेंट रीडिंग बाकी है, क्या आपके कमेंट पड़े बिना मेरा फूड चैलेंज वीडियोस कभी भी कंप्लीट हो सकता है? नहीं बिल्कुल नहीं। तो आज का जो कमेंट्स मैं पढ़ूंगी ना, सारा कमेंट है फ्रॉम ब्लैक पिंक चैलेंज। अगर आपने अभी तक ब्लैक पिंक फेवरेट फूड चैलेंज नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो शोना, अभी जाके चेक करो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो पहला कमेंट किया है मोहम्मद सलीम हुसैन ने, उन्होंने लिखा है आवर फेवरेट सॉन्ग किस एंड मेकअप फॉर एवर एंड आवर फेवरेट मेंबर हो लिसो, माने लिसा एंड जीसो, बट आई लव ऑल द मेंबर्स एंड दी आमार जोनो लिविंग लाइक केपॉप आइडल 24 आवर्स चाहिए। तो आमी बोलते चाहे तुम्हार रिक्वेस्ट आमी डेफिनेटली नोट डाउन करे रखबो एंड इट रियली रियली मींस अ लॉट जे तुम्ही कमेंट करले आर तुम्हार वीडियोटा भालो लेगेछे एंड लव यू टू। सो द फाइनल कमेंट ऑफ द डे किया है स्टे ने, अभी स्टे अगर आप अपने नाम बता देते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, पर उन्होंने लिखा है लव यू दी, थैंक यू फॉर अमेजिंग वीडियो, आई विल वॉच योर वीडियो एज आई थिंक आई एम लविंग इट, आई लिव इन फ्रांस बट एक्चुअली बंगाली, आई एम हियर फॉर माई कॉलेज डिग्री, यू मेक मी सो हैप्पी, थैंक यू सो मच फॉर सो मच लव, क्योंकि आप अगर साथ नहीं होते मैं कुछ भी नहीं होती। अगर आपको आज के हैक टेस्टिंग डिलीशियस लगा है, वीडियो को एक ह्यूज थम्स अप देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है शोना, और सारे एग हैक्स में से कौन सा हैक आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा प्लीज मुझे बताए और शेयर करें। बहुत ही अच्छे से रहिए, टेक केयर, बाय। बहुत सारा हैक टेस्ट ऑन। Oh my God.